दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको कोई कॉल करता है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी किसी से बात कर रहा हूं, मेरे को कोई भी कॉल करेगा तो मेरे पास उसका कॉल नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चलेगा अभी अगला बंदा मेरे को कॉल कर रहा है। तो ऐसे में आप कॉल वेटिंग ऑप्शंस को कैसे इनेबल कर सकते हो अपने मोबाइल में, जैसे कोई भी आपको कॉल करेगा तो आपको पता चल जाएगा अभी अगला बंदा आपको कॉल कर रहा है। आप चाहे तो जैसे इस फोन से मैं बात कर रहा हूँ, इस फोन से जैसे मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूँ, इस फोन से कोई मुझे कॉल कर रहा है लेकिन कॉल इसमें आ नहीं रहा है, बिजी बता रहा है, ठीक है। तो अब आप कैसे कॉल वेटिंग ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, जिस तरह से आप इससे बात तो कर रहे हैं दूसरे से, वो कर ही रहे हैं, उसके बाद कोई भी बंदा आपको फिर से इसमें कॉल लगाता है तो वो कॉल इसमें आ जाएगा, कॉल चलेगा आपका, कॉल जिससे आप बात करते भी होंगे फिर भी आपके पास कॉल आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो उसे यहाँ से कट कर सकते हैं और चाहे तो आप उसे कॉल को जो है उन्हें होल्ड रखकर आप दूसरे से जो कॉल आ रहा है उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल वेटिंग ऑप्शंस को इनेबल करना होता है अपने मोबाइल के अंदर। तो ये ऑप्शंस को आप कैसे इनेबल करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो होगी इसलिए आप कंप्लीट ज़रूर से देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो मोबाइल है वो है ओप्पो A3s, उसमें आपको मैं सेटिंग्स करके बताऊंगा कि कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडमी रियलमी ऐसा कोई डिवाइस हो तो आप उसमें कर सकते हो, यही सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। वीडियो अच्छा लगे जैसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी अगर ये प्रॉब्लम आती हो कॉल वेटिंग ऑप्शंस को इनेबल करने में तो वो भी इनेबल कर दे, ताकि कोई भी बंदा उनको कॉल करे तभी भी जब किसी से बात करते हो तो वो आराम से उनका कॉल उठा सके। तो दोस्तों कॉल वेटिंग ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए मैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो मोबाइल है वो है ओप्पो A3s। आपको मैं सेटिंग में चल के भी बता दूंगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ अबाउट के अंदर, तो आप देखते हैं मेरा मोबाइल है वो ओप्पो A3s है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कॉल पर, जहाँ से आप किसी को कॉल लगाते हैं डायलर पर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा पासवर्ड है, मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी आपके मोबाइल नंबर होंगे जिसको आपको कॉल लगाया है, आपके कॉल आया है, वो सभी आपको यहाँ पर नंबर दिख जाएंगे। मैं फिलहाल नंबरों को हाइड कर देता हूँ। और ऊपर आप यहाँ पर कॉर्नर में देखेंगे तो एक सेटिंग्स का ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अपने मोबाइल के, यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे कई सारे ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ताकि इनके लिए अलग वीडियो बना सकूं। नीचे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लियर कॉल सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल गया जाएगा। इस तरह से वॉइस मेल या कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बीजिंग, यहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे एडवांस सेटिंग्स पर। एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपके जितने भी मोबाइल में दो सिम कार्ड होंगे तो वो दोनों सिम कार्ड यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको किस सिम कार्ड के ऊपर किस नंबर पर जो है कॉल वेटिंग ऑप्शंस को इनेबल करना है, तो मेरे को नंबर एक ऑप्शन सिम पर जो है कॉल वेटिंग को इनेबल करना, तो मैं ऊपर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल वेटिंग का ऑप्शन से नीचे आ रहा है, आपको किसको इनेबल करना है किसको डिसेबल करना है, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिएगा। मेरे को थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर ये थोड़ा लोडिंग लेने में टाइम लेता है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस, अभी इसे मैं कर देता हूँ डिसेबल, ठीक है। अपडेटिंग बता रहा है, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। मैं आपको कुछ डिटेल में जानकारी बताऊँगा ताकि आप अच्छी तरीके से जो है समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको कोई कॉल करेगा तो वहाँ पर उसको बंदे को वहाँ पर ये नहीं बताएगा भाई वो किसी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, ऐसे नहीं बताएगा। जब तक आप इस ऑप्शंस को इनेबल नहीं कर देते तब तक नहीं बताएगा। जब आप कॉल वेटिंग ऑप्शंस को इनेबल कर देंगे उसके बाद आपको कोई भी कॉल करेगा, आप किसी से बात कर रहे हो फिर भी कोई दूसरा बंदा अगर आपको कॉल करेगा तो उसका कॉल आपके पास आ जाएगा। आप चाहे तो उससे बात कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको उनके फोन को कट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा भाई किसी और दूसरे का भी कॉल आ रहा है। अगर आप किसी दूसरे पहले से ही किसी से बात कर रहे हैं फिर भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे दूसरे नंबर से किसी का कॉल आ रहा है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से दिख जाएगा, ये ऑप्शन से अभी डिसेबल है, मैंने इसे इनेबल था लेकिन डिसेबल कर दिया। ये जब तक डिसेबल रहेगा तब तक आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको उसके अलावा कोई दूसरा कॉल करेगा तो आपके पास उसका कॉल नहीं आएगा, उसको बिजी बताएगा, उसका कॉल नहीं आएगा। जब आप इसका आप जिससे बात कर रहे हैं उसका मोबाइल फ़ोन कट जाएगा उसके बाद ही वो कॉल कर सकता है, उससे पहले आपको कॉल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप इस इन्हें ऑप्शंस को
इनेबल कर देते हैं, उसके बाद आप किससे बात कर रहे हैं उसके बावजूद भी कोई भी आपको कॉल करेगा तो उसका कॉल आपके पास आ जाएगा और उसको भी कॉल वेटिंग बता दिया जाएगा भी वो किसी दूसरे नंबर पर अभी व्यस्त है, मतलब किसी दूसरे नंबर पर अभी व्यस्त चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसका कॉल भी आपके पास आ जाएगा, आप चाहो तो उनके कॉल को कट कर सकते हो या फिर आप उनसे बात भी कर सकते हो। ये ऑप्शंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे कोई आपको इमरजेंसी कॉल आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आपका कॉल वेटिंग ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है। इसलिए आप अपने सिम को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस सिम पर जो है इसे इनेबल करना चाहते हैं, एक नंबर पर, दो नंबर पर। तो मेरा जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपके अगर मोबाइल में नेटवर्क कम हो तो आपका ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। आप ऐसी जगह पे जाके इस ऑप्शंस को इनेबल कीजिएगा जहाँ पर आपके मोबाइल में नेटवर्क फुल होता है कि जल्दी से ये ऑप्शन से इनेबल हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है वरना जो है जल्दी से ऑप्शन से इनेबल हो जाता है, वरना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी ये ऑप्शंस जो है डिसेबल था, अब मैं कर रहा हूँ इनेबल। यहाँ पर मेरा मोबाइल नेटवर्क जो वो ठीक है, जैसे मोबाइल नेटवर्क ठीक होगा ये ऑप्शन से ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है इनेबल हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा कॉल वेटिंग ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब कोई भी बंदा, जैसे मैं किसी का कॉल आ गया, मैंने कॉल उठा लिया, बात करने लगे, उसके बाद बावजूद कोई अलग दूसरा बंदा मुझे को कॉल करेगा तो उसका कॉल मेरे पास आ जाएगा। मैं चाहूँ तो उससे बात कर सकता हूँ, नहीं तो उसके फ़ोन को कट कर सकता हूँ या फिर उसके मोबाइल को, उसके कॉल को उठाने के बाद जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको होल्ड पर रखने के बाद उससे बात कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके मोबाइल के लिए, तो इसे ज़रूर से इनेबल कीजिएगा, ठीक है। इनेबल नहीं हो तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंदू वंदे मातरम।